हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनों से जुड़ी खबर लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। नई वीडियो भर्ती को लेकर के यूट्यूब पे जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, कल ही से जो है एक पुरानी नोटिस जो है 20 सितंबर की नोटिस ऑलमोस्ट है, वो जो एक वायरल कराया जा रहा है कहा जा सकता है, उसके संबंध में खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नई वीडियो भर्ती के संबंध में बात करेंगे यहाँ क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो क्वालिफिकेशन को लेकर के जो बातें हैं, तो क्वालिफिकेशन आपकी अभी 10+2 ही रखी जाएगी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10+2 ही रखी जाएगी, बी ट्रिपल सी है ना, ना कि ग्रेजुएट लेवल के जो है एलिजिबल होंगे इसमें। 10+2 जिनके पास भी होगा, किसी भी स्ट्रीम से होंगे, चाहे वो मैथ से हों, कॉमर्स से हों या फिर आर्ट्स साइंस से हों, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 3CC है और 18 से 40 वर्ष के बीच में उनकी आयु सीमा आती है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देते चलना है। अब यहाँ बात यह की जा रही कि 1150 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1150 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। बात किया जाए तो ये मान के चलिए आप लोग 1500 से ऊपर जो है भर्ती विज्ञापन जो है नई वीडियो भर्ती जो कि PET के माध्यम से होगा, और विज्ञापन की बात किया जाए तो आपको बताऊंगा, पहले अभी ऑनलाइन आवेदन हो जाए, PET को लेकर के परीक्षा हो जाए, उसके बाद ही इसके संबंध में कंफर्मेशन हो पाएगी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खबर है, मैं नोटिस भी दिखाऊंगा आपको। इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिस हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। यही वो नोटिस है, शायद आपने भी रीड किया होगा, देख सकते हैं प्रेषक है ना, यहाँ से प्रेषक आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त जिला विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश है ना। अब ये नोटिस आप देख सकते हैं कब की है, ये 29 सितंबर 2020 की है। तो ये पूरा ही नोटिस है, विषय क्या था, ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने जाने के संबंध में महोदय। तो जिस प्रकार से लेखपाल भर्ती आ रही है, इसी प्रकार से वीडियो भर्ती के संबंध में भी सभी सूचनाएँ सभी जिलों से मांगी गई थी। अभी 1953 पदों पर जो है SIT जाँच चली है 2018 की भर्ती, वीडियो BPO की भर्ती, अभी उसका क्लिफिकेशन नहीं हुआ है, और जब तक ये क्लिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक नई भर्ती का ऐलान नहीं किया जाएगा। तो अभी PET नहीं हुआ तो नई भर्ती का जो है ऐलान होने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। भर्ती आएगी, फंसेगी, निश्चित तौर पर फंसेगी, 101% एकदम कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है भर्ती फंसनी है। लेकिन नई वीडियो भर्ती 1500 से ज़्यादा पदों पर आनी पक्की है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। कृपया अवगत कराएं कि शासन द्वारा प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, अतः शासन के उप निर्देश के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद में ग्राम विकास अधिकारी के स्वीकृत पद, भरे पद और रिक्त पदों का विवरण तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे संबंधित सूचना शासन को प्रेषित किया जा सके और शासन के बाद ये UPSSC को अध्याचन के रूप में भेजा जा सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो अभी तक खबरें मिल रही हैं कि 1500 से ज़्यादा पदों के लिए अध्याचन UPSSC को प्राप्त हुआ है नई वीडियो भर्ती को लेकर के। आपको पता होगा लगभग जो 50,000 की बात की जाएगी उसमें से नई वीडियो भर्ती को लेकर के भी है, और 1500 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती विज्ञापन आपको देखने मिलेगा जो है PET के बाद। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।